जब का बरसा, जब कृषि सुखानी, जब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत थी कि किसी को विधायक सांसद बनवा सकती थी, तब तो आपने उनको पूछा नहीं। जब एक पिछड़ी जाति के गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया और फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो फूट डालो और कोई सांसद बना लो, ये संभव नहीं है। वो वोटर बहुत समझदार है, पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ है, अगड़ा वर्ग भाजपा का साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, आदिवासी भाजपा के साथ है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, इसलिए सबका समर्थन सबका आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। इसलिए इतनी बड़ी विजय का हमारी पार्टी की ओर से दावा किया गया, इसलिए इतनी बड़ी विजय हमको प्राप्त होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इस बार ना तो अपने जो लोग हैं उनको टिकट दिया, ज्यादातर उनके अंदर खाने से भी खबर है कि बाहरियों को ज्यादा टिकट वितरण किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी करूं इसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतें। समाजवादी पार्टी सफा हो गई है, समाजवादी पार्टी 2024 में ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, जब सपा का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, बसपा का खाता नहीं खुलेगा। तो यह जनता की आवाज है, ये केशव प्रसाद की अकेले आवाज नहीं, लेकिन भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा चुकी है, कमल का फूल खिला चुकी है। इसलिए उनके द्वारा कैंडिडेट कौन सा आता है ये हम लोग नहीं देख रहे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एक ही देख रही कि हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा चुनाव निशान भाजपा के सिंबल पे जो लड़ रहे हैं उनका कमल का फूल है, भाजपा गठबंधन के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमारे जो चारों साथी दल है उनके जो चुनाव निशान है उनके चुनाव निशान।